गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्लस वन की केमिकल बॉन्डिंग जो हमारी फोर्थ यूनिट है वो शुरू करेंगे। अब सब यूनिट जो है वो रूटीन में आपकी पर डे क्लासेस मिलेंगी, तो आप डेली इसको करें। न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंड है और काफ़ी बड़ी यूनिट है। IIT और नीट में 2 से 3 क्वेश्चन हर साल इसके ऊपर आते हैं, तो अपना इंटरेस्ट बना के इस यूनिट को पढ़ें। पीछे इसका जो प्लस 10th क्लास है उसमें इतना ज़्यादा यूज था नहीं, बॉन्ड वगैरह से रिलेट था। आगे हम 1 by 1 टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग आपका आता है बॉन्ड से, तो बॉन्ड से स्टार्ट हुआ है बॉन्डिंग। और बॉन्ड का मतलब होता है एक प्रकार का फोर्स, और फोर्स भी कौन सा, अट्रैक्टिव। ठीक है, यानी कि केमिकल बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या द अट्रैक्टिव फोर्स विच कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि एटम्स जो होते हैं उनके बीच का वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो उसको कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में लेके आता है। जैसे अपने पास ये फ्री एग्जिस्टेंस जैसे H2 होता है, ऑक्सीजन का आपका O2 होता है। अगर आप नेचर में अगर आप देखेंगे तो ये H2 और ये O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर ये H2 है तो ये किस एलिमेंट से बना है, H से। तो एक H है दूसरा H है, दोनों मिलने के बाद क्या बना है आपका H2। एक O है दूसरा O है, तो मिलने के बाद क्या बना है O2। तो इन H के बीच में और इस O के बीच में और भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उन सब के बीच में कोई ना कोई तो ऐसा अट्रैक्शन है जो इनको कंबाइन कर रहा है। ठीक है, उस जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड। तो क्या बोलोगे, द अट्रैक्टिव फोर्स विच कंबाइन द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, विच कंबाइन द एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो बॉन्ड होता है ये एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। तो इसका मतलब जो बॉन्ड वर्ड जहां भी आए, जितने भी टाइप के बॉन्ड आप पूरे इस यूनिट में पढ़ोगे वो सब के सब अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं, पहली बात ये। अब जो बॉन्ड आपके होते हैं वो 3 तरह के एग्जिस्ट करेंगे। नंबर 1 आपका होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, दूसरा आपका होगा वीक बॉन्ड, तीसरा होगा इंट्रैक्शन, जो बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है होता है, जो रूटीन लाइफ के अंदर बहुत ही कम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और शॉर्ट टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है। तो आप क्या बताएंगे कि हमारे पास जो बॉन्ड है उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। एक तो आप करोगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर, स्ट्रॉन्ग वर्ड से ही समझ गए। एक आप करोगे वीक के अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग के अंदर आपके पास 4-5 होते हैं, जैसे आपके पास होता है कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा जैसे आपके पास है आयोनिक बॉन्ड, तीसरा है जैसे आपके पास मेटालिक बॉन्ड, अगला है आपका जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, वीक में आपका है जैसे हाइड्रोजन, सुना है आपने हाइड्रोजन बॉन्ड को, आपने सुना होगा हाइड्रोजन जो आपका बॉन्ड होता है वो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है। और आपने सुने होंगे जैसे वंडरवाल, ठीक है, ये वीक बॉन्ड है। अब वंडरवाल के अंदर जो इनकी इंट्रैक्शंस होती है उनमें 2-4 इंट्रैक्शन के अंदर आएंगे। इंट्रैक्शन के अंदर जैसे है आपके पास लंदन फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, इस तरह से। तो ये 1 by 1, 1, 2, 3 ऐसे हम 1 by 1 बताएंगे। आगे यही टॉपिक हमारे पास चलने वाला है। तो बॉन्ड जो होते हैं, देखो सिंपल सी बात है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये प्लास्टिक है, तो ये प्लास्टिक जो है इसके अंदर ये लाखों करोड़ों पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसके अंदर भी कोई ना कोई बॉन्ड होगा। जैसे आपके पास घर में नमक होता है उसको, वो भी एक प्रकार का उसके अंदर भी बॉन्ड होता है।
जैसे अपने पास ये हाइड्रोजन है, आपने सुना है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, इनके अंदर भी कोई ना कोई बॉन्ड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉन्ड होता है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस सभी के अंदर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गैस के अंदर वीक फोर्स हो सकता है, बट फोर्स तो उसके अंदर भी होता है। जैसे अपने पास डायमंड होता है, डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, तो नेचुरल ऑकरिंग, तो उसके अंदर भी आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है। नमक आपके घर में एनएसीएल है, उसके अंदर आपके पास आयनिक बॉन्ड होता है। जो आपके पास घर में वाटर होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अमोनिया जो आपके घर में होता है, NH3 रखा रहता है, ये जैसे हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं उसमें भी वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इस तरह के ये जो बॉन्ड है ये एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता है। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग वीक के हिसाब से, यानी कि उनकी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बेस पे स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, एक वीक इंट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि यहाँ पर अभी मैं सब कुछ बता दूंगा, मैं स्टार्ट यहाँ से करूंगा, फिर इनके साथ वन बाई वन आगे जैसे जैसे लेक्चर चलते रहेंगे ये वन बाई वन आपके चलते रहेंगे। स्टार्टिंग में ये दो बताए जाएंगे, उसके बाद ये बॉन्ड क्यों बनता है वो बताया जाएगा। इस तरह से वन बाय वन बातें आपके सामने आती जाएगी। ठीक है, अब जो आपका पास अगला जो पॉइंट है वो अभी मैंने बताया बॉन्ड क्या होता है, दूसरा मैंने बताया कि बॉन्ड्स किस तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक में हम डिवाइड करते हैं, और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बॉन्ड जो आपके होते हैं ये बनने के लिए एटम कंबाइन क्यों करते हैं। कोई भी एलिमेंट जो आपके पास है, कोई भी मॉलिक्यूल बन रहा है, वो एग्जिस्ट करता है तो वो बॉन्ड फॉर्म क्यों करता है, सारी बात ये, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, व्हाई डू एटम्स कंबाइन, एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं। देखो, फर्स्ट है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्ट का मतलब होता है आठ, जैसे कैसे मैं बताता हूँ, जैसे ऑक्सीजन होता है O2, O प्लस O, ऑक्सीजन हो गया आठ दो छः, दूसरा ऑक्सीजन हो गया आठ दो छः, इसके सेकंड सेल में जो आप जानते हैं KLMN 2 8 8 18 18 32, तो हमारे फर्स्ट सेल में दो मीन ड्यूप्लेट, फर्स्ट सेल को पूरे होने का बोलूंगा मैं ड्यूप्लेट पूरा होना, सेकंड को पूरे होने को ऑक्टेट पूरा होना, यहाँ तक ही दिया हुआ है, ऑक्टेट रूल भी पढ़ेंगे हम। तो इसके सेकंड सेल के हिसाब से एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, एट, इसके पास है कितने, सिक्स, तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस ऑक्सीजन के, इसको भी कितने चाहिए, दो चाहिए। तो ये एलिमेंट जो आपके होते हैं ये मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए क्यों कंबाइन होते हैं, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट का मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मीन्स ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, नोबल गैस की, तो हर एलिमेंट चाहता है कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो नोबल गैस जैसी हो जाए, इसलिए वो क्या करता है, वो कंबाइन करने की कोशिश करता है। फर्स्ट तो क्या, फर्स्ट ये कहोगे टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या कंप्लीट टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, मतलब वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है। ऑक्टेट को पूरा क्यों करना चाहता है, कि वो अपने आप को स्टेबलाइज कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है। तो पहला तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी एलिमेंट जब कंबाइन होता है इसका मतलब उसका इसलिए कंबाइन हो रहा है कि वो अपना ऑक्टेट पूरा करे, ऑक्टेट पूरा करेगा तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, मींस उसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाएगी, और नोबल गैस है वो सबसे कम रिएक्टिव होती है, मींस उसके बाद वो रिएक्शन किसी से नहीं करेंगे। तो आप अगर ऑक्सीजन उठाओगे तो ये रिएक्टेबल होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में इस ऑक्सीजन से कम रिएक्टिंग होती, क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के अंदर जब ये आ जाता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसी हो जाती है। ठीक है, अब सेकंड जो पॉइंट है इसका, सेकंड पॉइंट ये है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी,
tendency to acquire minimum energy या maximum stability. ये अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करना चाहते हैं या उसको कम से कम एनर्जी ही लेना चाहते हैं, ये दो काम ये करना चाहेंगे, ठीक है. इसलिए वो अपने एलिमेंट क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. फिर ये है कि कह रहा है हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, इनके अंदर बॉन्डिंग कैसे टेक्स प्लेस होती है. तो मैं आपको इसको समझाने के लिए एक कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ. चलो मैं HCl का एग्जाम्पल लेता हूँ. तो HCl किससे मिलकर बना है, एक एच और दूसरा Cl. एच का एटॉमिक नंबर एक है, क्लोरीन का 17 है. तो ये एक, ये दो, आठ, सात, इनको मैं उस फॉर्म में दिखाता हूँ. ये न्यूक्लियस फर्स्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एच आपके पास. ये न्यूक्लियस, इसमें दो, फिर आठ और उसके बाद सात, ये आपके पास क्लोरीन है. तो जब ये दोनों नजदीक आते हैं तो इनके अंदर इंट्रैक्शंस होती है. पहला क्या अट्रैक्शन कैसे होगी, अट्रैक्शन बिटवीन किस किस के बीच में, ये इसका न्यूक्लियस, क्या बोलोगे, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन, इसका पॉजिटिव और इनके इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर सात हैं और ये नेगेटिव है, ये डैश डैश दिख रहा है. तो इसका न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज. तो पहला जो इंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है. एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. दूसरा, अब इसका न्यूक्लियस है तो इसका भी न्यूक्लियस है, दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ क्लोरीन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में भी इंट्रैक्शन होगा, ठीक है. तो ये आपको एक इंट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट होती है. तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में हम इसको ले आते थे, एक फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, एक प्लस टू का फॉर्मूला है. पोटेंशियल एनर्जी जो इन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होती है वो आपको ध्यान रखना है, के कॉन्स्टेंट क्यू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये होता है के कॉन्स्टेंट. इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू एक्चुअल में तो होती है 9 × 10⁻¹⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर. क्यू वन ये इसका चार्ज हो गया, क्यू टू इसका चार्ज हो गया, और आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई, ठीक है. तो इसके हिसाब से अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से लें तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, इफ आर इंक्रीज, अगर आर इंक्रीज होता है आपका, आर इंक्रीज का मतलब इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है. मींस ये आपके पास मान लो हाइड्रोजन है और ये आपके पास मान लो क्लोरीन है, ये इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब ये दूर जा रहे हैं. तो अगर इनके बीच की ये डिस्टेंस आर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. ये आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. तो यहां से हमें क्या पता चला, अगर इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, और बाकी तो उल्टा ही हो गया, अगर ये वो होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से आप इसको बता सकते हो. तो फिर हम इसके बीच में ग्राफ फ्लोट करेंगे, और वो ग्राफ क्या होगा, ग्राफ जो हम फ्लोट करेंगे वो इस तरह से ग्राफ फ्लोट होंगे. मान लो ये तो इसका ओरिजिन हो गया, ठीक है. इधर की तरफ मैं पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है. इस तरफ मैं इसकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो जो ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये करता है इस तरह से, ठीक है. ये इसको कट मत करना, ये ऐसे आएगा, ये इसके आगे चल के हल्का सा इसके पैरेलल हो जाएगा, ठीक है. ये इसका जो पीक पॉइंट है उसको आप नोटिस कर लोगे, ये इसका पीक पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ जो पीक होता है उस पर जो रेडियस डिस्टेंस होती है उसको हम आर बोल देंगे, आर नोट, क्या बोलेंगे उसको, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, आर नोट बोलेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर इसकी ये जो आर नोट है इसमें और इस आर के बीच में एक रिलेशनशिप चलेगी. अगर ये आपके पास आर नोट और आर दोनों बराबर है, आर नोट आपके इससे ग्रेटर देन है, आर नोट इससे आपकी लेस देन है, तीन पॉइंट्स चलेंगे, ठीक है. अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब आर नोट यानी कि ये मैक्सिमम एनर्जी के से डिस्टेंस, और जो इसकी जो डिस्टेंस है अगर दोनों बराबर है इसका मतलब अट्रैक्शन जो इनके बीच में था और रिपल्सन जो इनके बीच में था वो इक्वल होगा. मींस जो आपके पास पॉजिटिव ये था
और जो ये था, अगर आर नॉट और आर दोनों के बीच की बराबर है तो इसका अट्रैक्शन या मीन्स ये न्यूक्लियस, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो दोनों का अट्रैक्शन और रिपल्शन बराबर होगा, उसका मतलब होता है दोनों की रेडियस इक्वल होना। अगर आर ग्रेटर देन आपका आर नॉट है, आर ग्रेटर देन आर नॉट, इसका मतलब जो अट्रैक्शन है आर ग्रेटर देन आर नॉट ये हुआ, इसका मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका क्या है, ज्यादा है। एफ अट्रैक्शन किससे ज्यादा है, एफ रिपल्शन से, और इसमें एफ अट्रैक्शन जो है वो आपका लेस देन किससे, एफ रिपल्शन से। तो ये तीन पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आए हैं। तो याद रखना आर नॉट जो ये इनके बीच की रेडियस होती है, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इनके जो बीच में अट्रैक्शन होता है वो आर और आर नॉट इन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों का अट्रैक्शन बराबर तो ये, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा रिपल्सन, अट्रैक्शन ज़्यादा रिपल्सन कम तो आर ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन कम और रिपल्सन ज़्यादा है उनके बीच में तो आर नॉट ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये दूसरा जो होता है, एटम्स कम नज़दीक आते हैं तो उनके बीच में एक स्टेरिक हिंड्रेंस भी होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है एक प्रकार से कोलिजन, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। अब छोटे छोटे दो दो तीन पॉइंट्स बचे हैं वो मैं बता देता हूँ, आज का इतना बड़ा लेक्चर नहीं लेंगे। बॉन्ड, ये वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, यानी कि दोनों के दोनों जो एटम होते हैं वो इक्वल पेयर को शेयर करते हैं, शेयरिंग से बनता है। जैसे आपके पास H2 है, H प्लस एच, एक एक इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसका ये एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको और ये इसको, इसका भी हो गया वन पेयर कॉमन, तो इससे इसका क्या पूरा हो गया, ड्यूप्लेट पूरा हो गया। तो इस तरह से इसका ड्यूप्लेट पूरा हो गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है इसके भी है, तो H2 की फॉर्म में ये हीलियम जैसी कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन जो है इसका भी है और ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, मीन्स दोनों के बीच में वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉमन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉमन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पेयर कॉमन है, तो उसको बोल देते हैं टाइप में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोल देते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों के पास कॉमन हो उसको सिंगल कोवलेंट कह देंगे, अगर दो हो उसको क्या कह देंगे, डबल कोवलेंट, तीन हो उसको क्या कह देंगे, ट्रिपल कोवलेंट। तो ये बात क्या बताती है, ये बताती है कि जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है ना, ये खुद तीन टाइप का होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल में, सिंगल का मतलब वन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन, और थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन। तो अपने पास ये हो जाएगा, एच का तो मैं एग्जांपल दे चुका, अब मैं डबल का देता हूँ। जैसे आप ऑक्सीजन पढ़ते हैं ओ प्लस ओ, कैसे करना है वो समझ लो, लिख दिया ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर लिख दो, दूसरे ऑक्सीजन का भी लिख दो, कॉन्फिगरेशन कर लो 2 6 2 6, लास्ट वाले लेने हैं तो पहले सेल में दो है ठीक है, दूसरे में आठ होने चाहिए, हम ऐसे करेंगे 2 4 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दें इस ऑक्सीजन के, दूसरे ऑक्सीजन में 2 4 6, इसके भी 6 दिखा दिए। अब क्या करता है ये, इस तरह शेयरिंग कर लेते हैं, तो इसके कितने हो गए, 2 4 6 2 8, इसका ड्यूप्लेट ना ऑक्टेट पूरा हो गया, ये इसको ऐसे कर लेता है तो ये इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। ऐसा करने से इनके बीच में क्या कॉमन हो गए, दो पेयर इलेक्ट्रॉन कॉमन नहीं हो गए, एक पेयर आपका ये और दूसरा पेयर आपका ये, अगर टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉमन तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन में बताया था वन और ऑक्सीजन में बताया है टू, और जो आपका कोवलेंट बॉन्ड है इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, म्यूचुअल मतलब दोनों के बीच की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मींस दोनों ऐसा नहीं हो सकता कि ये दो इलेक्ट्रॉन कॉमन कर ले ये एक कर ले, नहीं, ये इसके साथ अगर कर रहा है डायटोमिक है सेम काइंड के, तो ये इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, शेयर करेंगे।
नेक्स्ट है ट्रिपल में, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन में एन प्लस एन हो गया, नाइट्रोजन सात है दो पाँच, दूसरा नाइट्रोजन भी सात है दो पाँच, तो क्या हो गया एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच दिखा दिए, ये इसको शेयर कर लेगा, ये इसको शेयर कर लेगा, ऐसा करने से क्या हुआ इसके पास ये तीन इलेक्ट्रॉन पेयर कॉमन हो गए, दिस दिस दिस, ऐसा करने से नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी पूरा हो गया, तीन छः दो आठ, इसका पूछेंगे तो तीन छः दो आठ, मीन्स ये पेयर जो इनके बीच में मैंने कॉमन दिखाया है ये वाला पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका भी है और इसका भी है, इसी को ही म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो म्यूचुअल शेयरिंग से होता है, म्यूचुअल शेयरिंग में कितने हो सकते हैं, सिर्फ तीन हो सकते हैं, सिंगल डबल और ट्रिपल, सिंगल मीन्स वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉमन हो एज लाइक हाइड्रोजन, डबल में आपके पास ऑक्सीजन, ट्रिपल में मैंने एग्जांपल दे दिया है नाइट्रोजन। आज सिर्फ डेफिनेशन बताना था, कल हम इनके ऊपर 10 कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। तो कैसे करना होता है, जो भी मॉलिक्यूल निकालना हो उसको अलग अलग कर लो, उनका एटॉमिक नंबर लिख लो, उनकी कॉन्फिगरेशन लिख लो, कॉन्फिगरेशन लिखते ही लास्ट वाले में जितने कम हो, जैसे इसको कितने ऑक्टेट पूरा करने के लिए जरूरत है दो की, इसमें कितने हैं दो की, दोनों को अगर इक्वल में अगर करना हो तो उसको हम याद रखना, दोनों को अगर इक्वल करना हो तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, यानी जितने इसको चाहिए उतने इस, अगर इसको चाहिए ना तो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ आयोनिक बॉन्ड, अब नेक्स्ट क्या है आपका आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर नहीं इलेक्ट्रॉन, जैसे NaCl है तो Na प्लस Cl कर लो, सोडियम का 11 क्लोरीन का 17, दो आठ एक दो आठ सात, ठीक है। लास्ट सेल को उठाना है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, पहले K में दो, L में आठ, एम में आठ, इसको सात की रिक्वायरमेंट है, इसको कितने की रिक्वायरमेंट है, इसको एक की रिक्वायरमेंट है। तो अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट हो, उसमें तो क्या था इक्वल रिक्वायरमेंट, इसमें क्या थी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के चांस रहेंगे। तो आप सोडियम का एक रखोगे, क्लोरीन के सेवन रखोगे, अगर ये क्लोरीन सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे कंप्लीटली, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, इसके पास आते ही सात और एक आठ, इसका ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया तो इसने एक लॉस कर दिया, तो क्या हो गया टू एट, इसने एक गेन कर लिया टू एट एट, इसका ऑक्टेट भी पूरा, क्योंकि एल में भी आठ याने होते हैं, एल में एम में भी आठ याने होते हैं, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से अगर कंप्लीट ट्रांसफर अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली दे दे तो क्या उनका बॉन्ड बनता है आयोनिक। इसमें जो कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स उसको तो बोलते हैं कैटायन, जो गेन करता है उसको बोलते हैं एनायन। तो कैटायन और एनायन जो हैं वो इसके अंदर फॉर्म होते हैं, जैसे NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, एक नेगेटिव का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं आयोनिक बॉन्ड, और अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो तो आप उसको क्या कहते हो कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड तीन टाइप का होता है, सिंगल डबल ट्रिपल, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन कॉमन हो तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन कॉमन हो तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन इलेक्ट्रॉन कॉमन हो तो उसको क्या कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। मैंने आज सिर्फ डेफिनेशन बताई इनकी, इनके कोवलेंट और आयनिक के मैं कम से कम आपको 20 प्रैक्टिस करवाऊंगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगी। आज आप इन्हीं कोवलेंट बॉन्ड और उसकी टाइप चार डेफिनेशन हो गई, एक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, एक आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन हो गई, जो मैंने यहाँ एग्जांपल NaCl का एक लिया है, बाकी कल प्रैक्टिस कराऊंगा, बाकी H2O2N2 का करना है। और एक मैंने बताया कि कोई भी एटम कंबाइन क्यों होता है, कोई भी एटम कंबाइन होता है दो कारण से, एक अपनी कॉन्फिग्रेशन को स्टेबलाइज करने के लिए, दूसरा मिनिमम एनर्जी अटेन करने के लिए। अट्रैक्शन क्या होती है, दो एटम अगर नजदीक आया तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होगा। अगर ये नजदीक रहते हैं तो डिस्टेंस अगर कम हो जाती है तो उनके बीच का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, इसके फिनोमेना पे ये काम करता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से तैयार करना है।